जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया धरना आंदोलन, जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का किया प्रयास, लेकिन पुलिस पुतले को छुड़ाकर ले गई। प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में बुधवार को बजरंग चौराहा पर धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना आंदोलन की समाप्ति पश्चात रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार सीजी गोस्वामी को सौंपा तथा कार्यवाही की मांग की। धरना स्थल पर आम सभा भी आयोजित की गई, जिसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा तथा उसे 50% की सरकार बताया तथा कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जनता परेशान है, बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर बढ़ते हुए दलित एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचारों, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चौपाट होने एवं अघोषित विद्युत कटौती किए जाने और खेती किसानी की लागत बढ़ने से किसानों पर आर्थिक बोझ डालने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आरोप लगाते हुए जनता से आह्वान किया कि प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई तय है, इसलिए सभी एकजुट होकर इनकी स्थायी विदाई कर दें। आम सभा को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र तोमर ने भी संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप भी लगाए तथा कहा कि प्रदेश में अपराधों को ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, महिला अपराधों में प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दलालों के माध्यम से राशि एकत्रित किए जाने के आरोप भी लगाए। सभा को ब्लैक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शर्मा, नगर अध्यक्ष इमरान खान, पुनीत समैया, रायसेन ब्लैक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, बेगमगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा आदि ने भी संबोधित किया। धरना आंदोलन व रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही कार्यकर्ता ने पुतला जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने छुड़ाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का प्रयास किया, जिसे कि मौके पर मौजूद पुलिस के द्वारा छीन लिया गया। हालांकि यहां पर पुलिस ने दमकल से कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की तथा पुतले को छुड़ा कर ले गई। पुलिस की सक्रियता से कार्यकर्ता पुतला नहीं जला सके। जो यहां पर अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, खाद बीज किसानों को समय पे नहीं मिल पा रहा है, यहां पर जो डिवाइडर यहां पर बनाया गया है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। नगरपालिका ने जो लाइटें खरीदी की हैं वो दो दो दिन नहीं जली, लगने के बाद भी कुछ पोल गिर गए। उनके संबंध में कि 50% कमीशन खोरी की, जो प्रदेश के मुखिया 50% कमीशन खोरी की सरकार चला रहे हैं, उसका विस्तारीकरण करके वो नगर पंचायत तक ले आए। ये नगर पंचायत के उनके पदाधिकारी अध्यक्ष पार्षद भी 50% की कमीशन खोरी में लिप्त हैं। बिजली की समस्या का तो 3 दिन में निदान करने का आश्वासन हमको मिला है प्रशासन की तरफ से, बाकी उनने 15 दिन का समय दिया है। जो बीकलपुर केंद्र पर जो पिछले बार गेहूं खरीदी में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए कलेक्टर ने FIR के आदेश दे दिए थे, लेकिन अभी तक भी वो आदेश पड़ा हुआ है। उसके लिए कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हम FIR दर्ज कराएंगे। तहसील पुतला जलाया गया, किन नेता पुतला जलाया गया? ये शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जलाया है, ये जनाक्रोश है। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय अत्याचार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उसके खिलाफ प्रतीक के रूप में ये पुतला जलाया गया।